हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो कहानी है लालची कुत्ते की। लालची मतलब जो हर चीज को ले लेना चाहता है। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। वे इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा था। उसे एक हड्डी मिली। हड्डी तो कुत्ते की सबसे ज्यादा पसंद की चीज है। उसने उसे अपने मुंह में दबाया और वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां उसे कोई ना देख सके। इसलिए वो जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई। नदी के ऊपर एक पुल बना था। जब वो कुत्ता उस पुल के ऊपर से जा रहा था तो सोचो उसे क्या दिखा। नदी में उसने अपनी परछाई देखी तो उसे लगा कि नदी में एक दूसरा कुत्ता है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कुत्ते की हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास दो दो हड्डियां हो जाएंगी। यही सोचकर उसने उस कुत्ते को डराने के लिए जोर से भौंकना शुरू किया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसकी हड्डी पानी में गिर गई और वो उदास हो गया। और तब उसे दो की जगह एक हड्डी भी नहीं मिली और वो चुपचाप भूखा वापस जंगल की ओर चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। थैंक यू।